सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस ने एक स्थानीय व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई धोखाधड़ी की शिकायत के सिलसिले में अभिनेता सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान और 6 अन्य को तलब किया है। स्थानीय व्यापारी अरुण गुप्ता ने शिकायत की है कि उन्होंने 2018 में 2-3 करोड़ रुपये खर्च करके बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी ब्रांड के तहत एक विशेष स्टोर खोला था। गुप्ता के अनुसार उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वे हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे और ब्रांड को बढ़ावा देंगे। शिकायत के मुताबिक न तो ब्रांड को बढ़ावा संबंधी वादा पूरा किया गया और न ही गुप्ता के स्टोर के लिए चीज़ें दी गईं। गुप्ता ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अभिनेता सलमान खान इस ब्रांड का प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने बार बार कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जिस कार्यालय का उपयोग स्टॉक रखने के लिए किया जाना था वह भी फरवरी 2020 से बंद पड़ा है। गुप्ता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सलमान खान स्वयं ही शोरूम का उद्घाटन करने आएंगे, लेकिन उनके रिश्तेदार आयुष शर्मा आए। गुप्ता ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।